फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया है तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा जिससे आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गौरव एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर फिजियोथेरेपी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसी बातें जो आपको हेल्पफुल है आपके फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी एग्जाम क्लियर करने में। बेसिकली ये जो चीज़ें ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है ऐसे स्टूडेंट्स में जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशंस करें हम हमारे एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इंट्रो के साथ। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि होती है कंटेंट। सो आपके पास प्रॉपर बुक्स, रेफरेंस बुक्स एंड नोट्स होने चाहिए। सो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन से बुक्स यूज़ किए जाते हैं, उसके रिलेटेड कौन से रेफरेंस बुक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके रिलेटेड हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। सो उस वीडियो को आप ज़रूर से चेकआउट करना। Being attentive towards what teacher is teaching is most important to score good marks in the examination. So friends, हमारा पूरा attention होना चाहिए जब भी teachers हमें कोई concepts explain कर रहा होगा, क्योंकि जब भी teachers हमें कुछ सिखाते हैं तो उस वक्त वो हमें बताते हैं कि कौन से topics important है और कौन से topics exam में आ सकते हैं। So friends, हमारा पूरा 100% attention होना चाहिए। उसके अलावा जब भी टीचर्स हमें कोई कंसेप्ट सिखा रहे हैं तो हमारे ओन लैंग्वेज में हमें रनिंग नोट्स निकालने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो रनिंग नोट्स होते हैं वो काफ़ी हमें बेनिफिशियल होते हैं हमारे एग्जाम के टाइम पे। और अगर आप रूम पर जाकर एक बार वो रनिंग नोट्स रिवाइज़ किया तो वहाँ पर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, अगर आप कंसिस्टेंट हो देन इट विल श्योरली बेनिफिट यू। अगर आप स्टडी करते हो ऑन अ डेली बेसिस देन इट विल बेनिफिट यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको रोज़ 4 से 5 घंटे तक रीडिंग करनी चाहिए। हार्डली 1 to 2 hours रीडिंग पर डे इज सफिशियंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कंसेप्ट सिखाया है, फॉर एग्जाम्पल आज आपको सिखाया स्टार्टिंग एंड डिराइव पोजिशंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो कंसेप्ट रूम पर जाके उसी दिन रीड किया और वो कंसेप्ट क्लियर किया तो आप पर लेस प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, अभी मान लो आप कंसिस्टेंट हो और आपने डेली बेसिस पर पढ़ाई किया है। सो फ्रेंड्स, आपका सिलेबस पैरेलल चलेगा विद द सिलेबस गोइंग इन योर कॉलेज। सो फ्रेंड्स, अभी मान लो आपके कॉलेज का सिलेबस बिफोर 15 डेज और बिफोर 1 month ऑफ द एग्जामिनेशन एंड हो गया। सो फ्रेंड्स, ये जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन 15 days to 1 month, उस टाइम पीरियड में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप क्या करना है, आपको ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनमें जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसको आपको एक बुक में लिख लेना है और एक पेज में लिख लेना है, और उसके जो आंसर्स है उसको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट किए जाते हैं और किस तरीके से एग्जामिनेशन लिखा जाता है। इससे डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा स्कोर निकल के आएगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेकर, क्योंकि अगर आपको फिजियोथेरेपी में फर्स्ट ईयर क्लियर करना है तो आपको हार्डवर्क दिखाना ही पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी का सिलेबस काफ़ी टफ होता है और काफ़ी वाइड होता है। काफ़ी ऐसे रेयर केसेस है जिसमें स्टूडेंट्स क्लियर कर पाए बिफोर स्टडिंग 15 to 30 days। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू यू। सो फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी कोशिश थी आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करने की रिगार्डिंग टू योर स्टडीज एंड एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।